वतन ये वतन वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमवां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे के ये जादे रह गुजर तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़-ए-बाप मरकज़ है। ज़ब्त को अपना मेरे कारवा जानो, पथ के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां दौलते अपनी लोगों। ये वतन अमानत है और तुम अमी लोगों। मेरे कारवां हम रूहे। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पोलियो अवेयरनेस वॉक और इस सेमिनार का इनेकाद जो कि रोटरी क्लब ध्यान सदर ने किया है, जो कि हर साल की ये एक्टिविटी रोटरी क्लब ध्यान सदर ऑर्गेनाइज करता है। जैसा कि आपको पता ही है कि पोलियो वैक्सीन को प्रोवाइड करने में वर्ल्ड वाइड WHO इसको प्रोवाइड करता है और रोटरी इंटरनेशनल उसमें पार्टनर, जिस तरह बिल गेट्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा रोटरी इंटरनेशनल पार्टनर। मैं सबसे पहले आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज करते हुए रोटरी क्लब छन सदर के प्रेसिडेंट अब्दुल अहद खान साहब और जनरल सेक्रेटरी राणा मुबशर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट जो के
पाकिस्तान पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट पंजाब और केपीके पर है, इसी तरह दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा सिंध और बलोचिस्तान पर। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब केपीके, इसमें हमारे रोटरी के चेयरमैन होते हैं जो पोलियो के चेयरमैन होते हैं जो उसको रूपांतर करते हैं। तो इसी तरह हमारी जो को चेयर, इस वक्त हमारे चेयरमैन तो मौजूद नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को चेयर पोलियो एजुकेशन पास प्रेसिडेंट शहजाद रफीक साहब से दरखास्त करूंगा कि वो भी स्क्रीन पर। हमारी इस रोटरी क्लब की एक्टिविटीज में अहम तरीन रोल प्ले करने में हमारे पास प्रेसिडेंट जनाब उमर खान साहब का बहुत बड़ा रोल है। मैं उसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज की इस तकलीफ में आप लोगों ने देखा, बच्चों को तो पता ही है, लेकिन बहुत से दूसरे दोस्त हमारे भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिसमें मीडिया के दोस्त भी हैं, हमारे लोकेरियंस भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं। खास तौर पर हमारी जो 1122 की जो टीम है, इस तकलीफ को ऑर्गेनाइज करने में जो हमारे झंग डिस्ट्रिक्ट, ये मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, झंग जिला की बात कर रहा, झंग जिला के जो चेयरमैन है हमारी पोलियो के सिलसिले में रोटरी की तरफ से, जिन्होंने आज की इस तकरीब को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत भी की और पूरा इंतजाम जो है वो उन्होंने करवाया, मेरी मुराद सईद माजिद जमान से है और मेरी उनसे दरखास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एक रोटरी का ओहदा होता है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करता है, और वो गवर्नर हमारा लीडर होता है जिसके पीछे पूरा रोटरी जो है वो मूव कर रहा होता है और हम अपनी एक्टिविटीज को चला रहे होते हैं। पोलियो खत्म करने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया में, जहां और WHO है, उस तरह रोटरी एक पार्टनर है और बड़ा अहम पार्टनर है जो बिलियंस ऑफ रुपीस अब तक उसके ऊपर स्पेंड कर चुका है। और इसको वैक्सीन की जो प्रोविजन है, वैक्सीन जो प्रोवाइड की जा रही है, उसमें रोटरी का बहुत बड़ा रोल है। बिलियंस ऑफ रुपीस उसमें दिए गए हैं, बिल गेट्स के साथ शेयर भी किया और सारा कुछ। आज की हमारी इस तकरीब में हमारी रोटरी के डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी गवर्नर जनाब परवेज अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे दरखास्त करता हूँ। सबसे पहले तकरीब का आगाज सदारत नामे पाक से किया जाएगा, और उसके लिए मैं दरख्वास्त करता हूं हमारे स्टूडेंट जनाब अब्दुल रहमान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और तलावत नामे पाक का शर्म हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. بہت شکریہ عبد الرحمان. اس کے بعد میں ہمارے ہی ایک اسٹوڈنٹ علی حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ سیکھ لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔
एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में मुंतकिल होता है, और खुसूसन ये बच्चों को अफेक्ट करता है, और जो इसके असरात होते हैं वो बहुत डेंजरस, कि वो बच्चा, वो शख्स माजूर हो जाता है। और जबकि दुनिया भर में ये पोलियो डिजीज खत्म हो चुकी है, लेकिन एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहां पे अभी भी ये मौजूद है। इसको एक ही सौ रुपया हम खत्म कर सकते हैं अगर बाइसिंग कौम हम मिलके इसके खिलाफ जिहाद करें, उठ खड़े हो, और हर बच्चे को जहां भी है वो 5 साल से कम उम्र का, उसको पोलियो ड्रॉप्स लाएं, और इसको 100% इंश्योर किया। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते, हम दुनिया में जो सूरत हाल जा रही है हमें हाईलाइट किया जाएगा। और ये मैं बताता चलूं कि अभी अगर हमने इस पर काबू ना पाया तो हमें दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाएगा। साथ ही जो कारोबारी निजाम है वो हमारा खत्म होके रह जाएगा, हम पे बहुत सारी पाबंदियां लग जाएंगी, हम बाहर के ममालिक में ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये भी आपके इल्म में होगा कि हम हज और उमरा की सादत भी नहीं हासिल कर सके। ये चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे खतरनाक है कि वो बच्चा, वो शख्स जिसको पोलियो होता है, वो डिसेबल हो जाता है, और वो घर में मुआशरे में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस मूजी मर्ज के लिए हमें वो तमाम तदाबीर करनी होगी, जिसमें अवेयरनेस के हवाले से हम सेमिनार्स करते हैं, वॉक करते हैं, मैचेस करते हैं, और हर शख्स अपना अपना किरदार अदा करे। ये कौमी फरीजा है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, करते रहना है। अब तक हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर बहुत काम कर रही है, और आप ये देखें कि जो पोलियो वर्कर्स हैं इस वक्त 2,15,000 पोलियो वर्कर्स पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और तकरीबन 3,10,00,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जा रहे हैं। पोलियो चूंकि जिम्मेदारी जहां गवर्नमेंट की है हमारी है, वैसे पे पाकिस्तानी वहां पॉलिटिशियंस भी हैं, वहां पे हमारे उलमाए इकराम भी हैं, हर मुकादर में फिक्र के लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको अदा करें। इस वक्त पाकिस्तान में जो लेटेस्ट फिगर आई है पोलियो केसेस की, 2020 में 79 केस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 12 केस पंजाब में हैं, 23 केसेस बलूचिस्तान में हैं, 22 केसेस सिंध और 22 केसेस केपी की हैं। ये यकीनन पंजाब में केसेस कम हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में केसेस लास्ट ईयर की निस्बत, लास्ट ईयर जो केसेस थे हमारे 100+ थे, और इस साल 20 में कम हो गए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं और कि हम इस पोलियो को इस मुल्क से निकाल के रहेंगे,
ये हमारा मिशन है, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन इंशाल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क हो। हम ये अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए एक सेहतमंद मुल्क, एक खुशहाल मुल्क का अहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम इंशाल्लाह हम जल्दी इसको कोशिश करेंगे कि ताकि बच्चों ने भी, चूंकि जाना होता है और वैसे भी वक्त के हिसाब से, असल बात तो ये है कि हमें ये पैगाम देना और ये अवेयरनेस कायम करना जरूरी है कि पोलियो के कतरे कितने इंपॉर्टेंट हैं। जहां पोलियो कतरे नहीं बनाए जा सके, जो नहीं बना रहे, जो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको हमने बताना है। वो हमारी जिम्मेदारी है, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि अपने घर जाके अपने वालदैन से, अपने दोस्तों में, अपनी गली में, मोहल्ले में लोगों को बताएं कि ये कतरे पिलाए हैं कि नहीं पिलाए, पूछे जाके। आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने गली अपने मोहल्ले में पूछेंगे कि किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं कोई बच्चा जिसने पोलियो कतरा ना पिया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है जिसको हमने इंशाल्लाह निभाना है। मैं उसके बाद दरख्वास्त करूंगा हमारी इस एक और कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं जनाब उमर खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्याल करें। प्यारे बेटों बेटियां और आप सुबह से जो हमारे साथ हैं सबका अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो हमने बात की है, यहाँ हम इकट्ठे हुए, इसका बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हमने एक छोटी सी बात कर ली और यहाँ अपने आप को थका के आ गए, लेकिन इससे एक मैसेज पास होगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक छोटी सी कहानी सुना के इजाजत दूंगा कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां पे नीलाम करने के लिए उनकी बोली लगाई गई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर रहे, उनकी जो बोली का वक्त था, तो उसमें एक बूढ़िया एक वो कपास की गांठ लेके आई। तो लोगों ने कहा कि ये अम्मा तुम क्या कर रही हो, ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के हसीन तीन शख्स और उनकी बोली है, तुम इसमें तो बादशाह नहीं है। उसने कहा मैं ये तो मुझे पता है कि मैं उसको खरीद नहीं सकती, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि रोजे कियामत अल्लाह पाक के हाँ जब ये हिसाब किताब होगा तो जो बोली देने वालों में से मेरा नाम भी जरूर होगा कि मैंने भी बोली दी है। तो आज हमने जो बात की है अपने पूरी कौम के लिए हम कर रहे हैं और इसमें हमें खुशी होनी चाहिए और इस पर कोई शर्म नहीं महफील होना चाहिए ताकि हम अपने कौम को, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को बचाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं माजिद जमान साहब का और खास तौर पे मैं गैरिजन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गैरिजन के आप जो हमारे बेटे बेटियां हमारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों की वजह से ये बात पॉसिबल हुई, अदरवाइज शायद हम 15-20 बाबे इकट्ठे वॉक करके वापस आ चुके होते। लेकिन आप सबके लिए खान साहब ने बहुत मुख्तसर और बड़ी अच्छी बात की और अंधेरे का फायदा उठाते हुए जल्दी से मीटिंग गोल करके चले गए। स्पीच बहुत अच्छी बात की। मैं इसके बाद दरख्वास्त करूंगा हमारे झंग से, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और झंग की पुलिस के साथ भी उनका एक ताल्लुक रहा और बहुत ही, यानी कि आज आपने देखा होगा कि हमारी इस वॉक को भी उन्होंने अपनी उस पुरानी ड्यूटी को, जब वो ट्रैफिक पुलिस में हुआ करते थे, उसको समझते हुए उन्होंने उसको मैनेज किया। मेरी मुराद हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब असलम शंकर साहब से है, रिटायर्ड DSP हैं। आपके शीर्ष लाइन और अपने खराब कर रहा हूँ।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم dignities of Rotary Club, dignities of the city press, معصوم اور پیارے بچے ہمارے مستقبل کیریزن مثالی کیریزن اور میرے ساتھیوں دوستوں السلام علیکم پولیو پہ بات کرنے کے لیے روٹری کے ایکسپرٹ موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن مجھے حکم ہے میں ابھی چند لفظ عرض کر دیتا ہوں میرے ذہن میں ایک سجیشن ہے کہ پولیو کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس کو کک آف کرنے کے لیے محلہ وائز کمیٹی بننی چاہیے بھی انتظامیہ معاشرے کے بہت بڑے لوگ عمر خان جیسی شخصیات روٹری کے چیئرمین گورنر ڈپٹی گورنر یہ اپنے اپنے ایریاز میں خاص طور پہ چھان لیں بہانہ وائز اگر کوئی کمیٹیاں ایسی بنا دے کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے محلے اتنے زیادہ نہیں ہیں جو اس بات کو فوکس کرے کہ کیا یقیناً 5 سال تک کے بچوں کو پولیو پلاس دی ہے ان ورکرز کی جو پولیو ورکرز ہیں اس پولیس کے جوانوں کی جو اس کے ساتھ ہیلپر ہیں محکمہ صحت کے لوگ ڈاکٹر جتنی ایفرٹس کر رہے ہیں اس میں اگر ایک یا دو آدمی محلہ وائز اس میں شامل کر دیے جائیں اور اس کے پاس بھی اس بات کا ریکارڈ ہو تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات ہم اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں اور اس کو ہم پک اپ نہ کر سکیں اور دوسری ایک نیگیٹو تھاٹ جو ہمارے یہاں موجود ہے معاشرے میں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیو کو قطرے پلانے سے شاید اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں شاید یہ کسی دشمن ملک کی کوئی سازش ہے ان چیزوں سے بھی ہمیں خود کو بچانا ہے ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو اس میں رکاوٹ کرنا چاہتے ہیں اور محلہ وائز کمیٹی سے ایک بات یہ بھی ہے جو ہم نے نوٹ کی اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی آبزرویشن بھی ہے کہ لوگ بطور مہمان آئے ہوتے ہیں تو جس ایریا میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بچے اس ایریا کے پولیو قطرے نہیں پی سکتے تو گزارش یہی ہے کہ محلہ کمیٹی بنانے سے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور نظر رکھنے والے لوگ اس پہ نظر رکھیں گے اور اس میں کامیابی انشاءاللہ حاصل کی جا سکتی ہے بہت شکریہ یہ ایک چپ مجھے ملی ہے انکلوڈڈ این جی اوز این جی اوز بھی اس میں بھرپور اپنا قدم آگے بڑھائے دیکھیں معاشرے کی بہتری کے لیے فلاح و بہبود کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے انہوں نے تو ذمہ داری لی ہوتی ہے عام آدمی کی نسبت وہ بہتر ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں تھینک یو ویری مچ آپ کی باتیں سننے کے لیے تو ہمیں پورا دن چاہیے لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ نے بھی بہت ہی مختصر وقت میں صحیح پیغام دیا روٹری ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن چیئر ہمارے ڈسٹرکٹ کی طرف سے پولیو کی ریپرزنٹیشن کے لیے آج ہمارے درمیان ایک شخصیت موجود ہیں جو نہ صرف روٹری میں لیکن اس کے علاوہ بزنس طبقوں میں بھی نہایت ہی مقبول ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے کہ وہ اس وقت ہمارے جنگ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں میری مراد شیخ شہزاد رفیق صاحب سے ہے جو کہ کوچیئر ہیں ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی چند لمحوں کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں انچارج ڈبل ون ڈبل ٹو ہمارے میڈیا کے نمائندہ این جی او سے جو لوگ ہیں گیریزن اسکول کے اسٹوڈینٹس پیارے پیارے بچوں السلام علیکم آج کی ہم نے یہ جو ایک واک کی ہے ایک چھوٹی سی واک اس کا مقصد ایک اویئرنیس تھی
अवेयरनेस का मतलब ये है कि हम लोगों को बता सके कि हमने पोलियो को अपने मुल्क से खत्म करने की कोशिश जारी रखनी है। ये वॉक रोटरी क्लब जंग सदर और गैरिसन स्कूल सिस्टम के इश्तराक से हर साल अक्टूबर में होती है। अनफॉर्चुनेटली 2016 में तो ऑलमोस्ट 7-8 माह के लिए पाकिस्तान पोलियो थी, वो भी चुकाया एक दफा, लेकिन उस इतिहास को मुसलसल जारी ना रखने की वजह से पोलियो दोबारा हमारे मुल्क में फल फूल गया, दोबारा ये आ गया, जिसकी हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जंग हमने जारी की हुई है इसको हमने ख़त्म करना ही करना है, क्योंकि इसका मामला हमारे फ्यूचर से है, हमारे बच्चों के फ्यूचर से है, और ये जिसको हो जाए वो अपाहज हो जाता है, वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। लिहाजा इस एक वक्त था कि ये पूरी दुनिया में था, ऑलमोस्ट 180 मुल्कों में था, अब सिर्फ 2 मुल्कों में रह गया, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, बाकी ये इंडिया से भी खत्म हो गया है, नाइजीरिया से भी खत्म हो गया है, और भी जो हमारे से पीछे मुल्क हैं उन्होंने भी इस जंग को जीत लिया हुआ है। अब इस जंग को हमने जीतना है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को 2 कतरे पिलाए जाते हैं, तो मेरी गुजारिश होगी, तमाम ये बच्चे भी सुन रहे हैं क्योंकि ज्यादा तो तादाद बच्चों की है जो आज इस वॉक में शामिल हुए थे, कि उनके घर में अगर कोई भी 5 साल के कम उम्र का बच्चा है तो उसको कतरे पिलाएं, 2 कतरे, और इस कतरे पिलाने से ही ये पोलियो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अगर हम ये कतरे रह जाएंगे, किसी बच्चों को नहीं होगा, तो खतरा मौजूद रहेगा। लिहाजा ये मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी कतरे पिलाने वाली टीम आपके घरों में आए तो आप जरूर बच्चों को 2 कतरे पिलाएं, ताकि ये इस मूरी मर्ज से हम अपनी जान छुड़ा सकें। बहुत शुक्रिया। जहां हमारे बच्चे इस काम को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं, जहाँ रोटरी क्लब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वहां बिजनेस कम्युनिटी को भी अपना रोल प्ले करना है। हर शख्स को ये रोल प्ले करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, बहुत जल्द आपका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और हम पूरी दुनिया में जिस तरह पोलियो खत्म हो गया है तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते। आज हम इस बात का तहैया करें कि हमने अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। क्योंकि आप मेरे साथ हैं ना जी, मैं वेलकम करता हूं जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जनाब अजहर अब्बास आदिल साहब को, कि वो तशरीफ लाए। उसके बाद मैं आज की इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे इस तकरीब के मेहमान खसूसी और हमारी रोटरी क्लब झंग सदर की बैकबोन और हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3272 पंजाब के पी के डिप्टी गवर्नर जनाब परवेज अख्तर साहब से जो तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार करूँ। रोटरी क्लब पोलियो चेयरमैन और को चेयरमैन डिग्निटी फ्रॉम द सिटी रेस्क्यू 1122 मीडिया के साथी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पोलियो के बारे में मेरे से पहले आने वाले स्पीकर आपको इसकी जो डेटा आपको दे चुके हैं, लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो जंग की सतह पे हम बहुत सालों से पोलियो फ्री थे, तो 27 अक्टूबर को 2 केस हमारे जंग में रिपोर्ट हुए। वो पिछले साल जैसे माजिद साहब ने बताया था 157 थे, इस साल 79 है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सेंशन वो माजिद साहब आपको बता चुके हैं, तो खुदा ने खासकर जो बच्चा इस पोलियो से इफेक्ट होता है उसके साथ जो होता है तो माशरे में भी वो अनफिट हो जाता है फिर, तो इसको हमें इसकी अफादियत का अंदाजा होना चाहिए ये कितनी खतरनाक बीमारी है। जैसे माजिद साहब ने बताया WHO अब आउटसाइड पे सोच रहा है,
पोलियो को वाइंड अप कर रहे हैं। अकेला पाकिस्तान रह गया, अफगानिस्तान रह गया, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे आप कहीं जाएं तो वो पोलियो की वजह से आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो शंकर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की है, तो मेरे ख्याल में हमें उसी सतह पे जाना चाहिए। बांग्लादेश ने पोलियो को और उन्होंने आबादी को उलमा कराम के थ्रू कंट्रोल किया है। पोलियो के बारे में जैसे हमारे एक पहले स्पीकर ने बताया था कि जो नेगेटिव एक माशरे में प्रसेप्शन चली जाती है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो पहले तो ये रिमोट एरिया में था, तो लेकिन वहां से कोई ना कोई इफेक्ट ही ट्रेवल करता है तो हमारे जितने एरिया फ्री है उनमें भी आ जाता है। तो इसमें हमें सारों को मिलजुल के, सारे उलमा किराम को साथ लेके, सारे इंस्टीट्यूशन को साथ लेके, एनजीओ को साथ लेके, मस्जिदों के थ्रू हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगी। तो रोटरी तो इस पे किरदार अपना अदा कर ही रहा है। पाकिस्तान लेवल से पिछले कई सालों से रोटरी गवर्नमेंट के साथ और दूसरी तंजीमों के साथ कोऑपरेट करके तो इसको कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी आज पोलियो के सिलसिले में भी उन्होंने मैजिक का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था, इसलिए वो आ नहीं सके, वो भी पोलियो के बारे में ही कर रहे हैं। और 2 तारीख को इंशाल्लाह शाम को यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो आइंदा भी हम ये बात करेंगे। इसका मकसद यही था कि हमें एहसास होना चाहिए ये कितनी बुरी चीज है और इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये आज का मकसद यही था, सारे हमें इसको समझना चाहिए, ये बहुत बड़ी एक बला है। तो इसमें सबको मिलजुल करके अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सारे हम मिलके बैठेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं है। पाकिस्तान में हम जरा लेट स्टार्ट करना है, दुनिया नहीं पहुंच जाती, हम फिर हमारी आंदोलती है कि ये हो रहा है, लेकिन हमें अब जान जाना चाहिए। बहुत ऑलरेडी देर हो चुकी है, तो मजीद हम इसकी देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह हमें इससे बचाएगा, जैसे कोरोना से भी अल्लाह ने हम पे हाथ हल्का रखा है। उम्मीद है इंशाल्लाह हम सब मिलजुल के इसे जान छुड़ा लेंगे। थैंक यू। आप जंग में एक बहुत बड़े इदारे शकरगंज मिल्स की क्यादत फरमा रहे हैं और उसमें 10 साल से उसके जनरल मैनेजर भी हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने वक्त में से कीमती वक्त निकाला और आज रोटरी के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप रोटरी के एक पुराने सीनियर मेंबर्स में शुमार होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सदर का ओहदा भी और बहुत से असिस्टेंट गवर्नर और इस वक्त डिप्टी गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। हमारी दुआ है कि आप गवर्नर के ओहदे के पर भी फाइज हो जाएं और इसी तरह हम और फखर से बुलंद होगा। हमारे एक और दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ, जो कि इससे पहले हमारे डिप्टी गवर्नर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। मेरी मुराद सैयद फिरोज गिलानी साहब से है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में मेरी सरखास्त होगी कि हमारे जो रोटेरियंस जो यहाँ मौजूद हैं, जो न सिर्फ पोलियो के ऊपर काम कर रहे हैं, वो पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। पानी के जितने प्लांट्स झंग में 17 प्लांट्स लगे हुए हैं, वो रोटेरियंस ने लगाए। वाहिद झंग एक ऐसा शहर है जिसमें पानी के प्लांट्स लगाए गए हैं और उसका चेहरा, उसके पीछे जो रोटरी क्लब के साथ जो सबसे ज्यादा ताउन करने वाली शख्सियत है, वो उमर खान है, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि जहाँ पोलियो है, पोलियो की एरेडिकेशन है, पानी के प्लांट है, ऑर्थोपेडिक वार्ड है, सीसी योगा क्याम है, शहर में और ट्री प्लांटेशन है, या जहां भी कोई फलाही सिस्टम होता है, वहां पर ये रोटरी क्लब के दोस्त कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। और हमारे साथ हम खुद कुछ नहीं करते, हमारे साथ जो लोग अटैच हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं 1122 की एक बहुत ही एनर्जेटिक टीम यहाँ मौजूद है, इनके लिए एक दफा जरूर अप्रिशिएट। हमारे जो टीम यहाँ मौजूद है, मैं एक दफा उनसे दरखास्त करूंगा कि सिर्फ एक दफा खड़े होकर ये दिखा दे कि आप लोग हमारे जो रोटेरियंस हैं और इस क्लब के मेंबर हैं, एक दफा राइज हो जाए ताकि पता लगे कि ये वो रोटेरियंस हैं जो मिलकर इस क्लब को, रोटरी को चलाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं दरखास्त करूंगा
हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब जाहिद खुर्शीद लोधी साहब के आप तशरीफ लाए और वोट ऑफ थैंक्स कहें। जनाब जाहिद खुर्शीद लोधी साहब, रोटेरियन जाहिद खुर्शीद लोधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशहूर हूँ इस प्रोग्राम की इंतजामिया रोटरी क्लब चंडीगढ़ और बिलखसूस सैयद माजिमा साहब का कि उन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम को इतने वक्त में ऑर्गेनाइज किया। वो हर साल ही करते हैं और ये उनका उनकी खूबी है, वो उनके प्रोग्राम तमाम प्रोग्राम बड़े ही वेल ऑर्गेनाइज और वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। और मैं इसके प्रोग्राम इस्लामी की तरफ से मैं मशहूर हूँ रोटरी क्लब संघ के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हरीश साहब का, राम बशु साहब, उर्फा साहब, शेख साहब बैठे हैं, श्री मजमा साहब और तमाम मुझे जो यहाँ शिव रखते हैं, तमाम मेहमान निगरानी जो शिव लाए आज और रेस्क्यू डेवलपमेंट की टीम और तो आपको सर सलाम, आपको जिस अंदाज से आपने किया वो मंजर मुझे वो बड़ा क्लिक किया, मेरा दिल किया कि मैं इसका सामने से जाकर तस्वीर बनाऊंगा, आज स्टेटस पे अपलोड करूंगा फेसबुक पर आपके शिक्षक को। और साहब का इतना उन्होंने इनपुट दिया, खर्च किया और रोटरी क्लब जन सब सदर का तमाम का शुक्रिया कि और मीडिया का खासतौर पर शिवराय मीडिया के प्रधान कि आप शिवराय इस प्रोग्राम की जीवन बने और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब का कि उन्होंने भी अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला तशरीफ लाए, सैयद हसन अली किदानी साहब तशरीफ लाए, आफ्ताब ईसा खान एडवोकेट साहब तशरीफ लाए, शुएब सज्जाद साहब तशरीफ लाए और सिकंदर नवाज साहब तशरीफ लाए, जनाब सईद वसीम इसहाक साहब तशरीफ लाए और इसके अलावा मुझे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं उन सबसे तो आप ऐसे ही वाकिफ हैं और जिस तरह लोधी साहब ने ऑलरेडी सबका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हुए आज की इस तकरीब को कंक्लूड करने से पहले मैं एक जरूर बात करूँगा कि ये मेरी जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप किसी एक शख्स अगर किसी एक को भी कोई बात कर देगा और पोलियो की एडुकेशन के सिलसिले में अवेयरनेस के सिलसिले में कि कतरे पिलाने हैं अपने घर में, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, फेसबुक के ऊपर डालें, फेसबुक पे दें, व्हाट्सएप पे दें, ट्विटर पे दें, जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उसमें ये पैगाम डालें, ये रोटरी का जो स्लोगन है ये डालें, ये जो पोस्टर्स हैं ये डालिए, यहाँ से आपके पैगाम लीजिए, इनके फोटो ले इनको डालें, जितना ज्यादा हम इसको स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा ये होगा। और हमारे अगर एक भी शख्स यहाँ पर पोलियो वैक्सीन से बच्चा रह गया तो वो कैरियर हो सकता है और उसका नुकसान हमें जंग में नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया को हो सकता है। तो इसलिए बर मेहरबानी आज हम एक ऊंची आवाज में इस बात का तहैया करेंगे कि हम इस मिशन को लेकर आगे चलेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए एक जोरदार नारा हम लगाएंगे, एंड पोलियो नाउ का। ठीक है, मैं 1 2 3 करूंगा, सब कहेंगे एंड पोलियो नाउ, 1 2 3 और इसके बाद में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त दुआ के लिए दरख्वास्त करूंगा, हमारे बहुत प्यारे दोस्त पास्ट प्रेसिडेंट
पास्ट असिस्टेंट गवर्नर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जनाब सैयद फिरोज इकबाल गिलानी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और दुआ करवाएं। सब लोग एक दफा अगर दुरुशी पढ़ लें तो मेरा ख्याल है दुआ जो है कबूलियत का आपका असर पड़ जाता है। जो तमाम बच्चे हैं जिस नेक कॉल के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, इस कॉल को पूरा करना हमारे मुल्क से, हमारे शहर से, अल्लाह इस दुनिया से इस मुझी मर्ज को अल्लाह दूर फरमा दे। अल्लाह प्यारे नबी सत्य में इन बीमारी को दुनिया से दूर करने के लिए माना। अल्लाह प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सत्य में जिस तरह तूने हमारे मुल्क को एक खतरनाक COVID-19 से बहुत हद तक बचा कर रखा, अल्लाह प्यारे नबी सत्य में इस पोलियो के मर्ज से भी हमारे मुल्क को हमेशा के लिए बचा दे। जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं या जितने जो बड़े बैठे हुए हैं, अल्लाह प्यारे नबी के सत्य में इन सबकी मफरत फरमा दे। अल्लाह इनसे राजी हो जा, अल्लाह दुनिया में भी राजी हो जाना और आखिरत में भी राजी हो जाना। अल्लाह इन बच्चों को दीनी दुनिया में आलतनी मकाम पर पहुँचा दे। अल्लाह इनके दिल में जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी फरमा दे। अल्लाह इनके घरों में और हम सबके घरों में अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमा दे। अल्लाह हम सबके रोज़ रिज़्क़ में, माल औलाद में, कारोबार में, तिजारत में, फलों में, अरकात में कसर अता फरमा। अल्लाह हम सबसे राजी हो, हमारे माँ बाप से राजी हो, हमारे अरकात से राजी हो। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ये वतन नज़्म-ओ-ज़ब्त को अपना